नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। इस वक्त बिहार से सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के दलित नेताओं का एक बड़ा तबका, ठीक ठाक तबका, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एससी एसटी आरक्षण में क्लासिफिकेशन की यानी वर्गीकरण की, कोटा विद इन कोटा की जो बात कही गई, राज्य सरकारों को ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दे दिया कि वो कोटा विद इन कोटा की बात कर सकते हैं, इस बात पर बिहार के दलित नेताओं के बीच दो फाड़ हो गया है। एनडीए के अंदर दो फाड़ हो गया है इस मुद्दे पर, क्योंकि एनडीए के अंदर शामिल चिराग पासवान जो खुद दलित समाज से आते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अपनी असहमति जताई है। वहीं महादलित तबके से आने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी, केंद्र सरकार में जो अभी मंत्री हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि समाज के दबे कुचले लोगों को जो आरक्षण के लाभ से वंचित रहे हैं, कुछ लोगों तक ही आरक्षण की मलाई पहुंच पा रही है, उससे उन्हें बहुत फायदा होगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध करने वालों का की भी उन्होंने तीखी आलोचना की है। आपको बताते चलें कि बिहार में नीतीश कुमार ने सामाजिक सेवाओं को, सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए तो दलितों के भीतर दलित और महादलित के दो कोटे निर्धारित कर दिए थे। पासवान समुदाय को छोड़ करके तमाम दूसरे दलितों को महादलित में शामिल करने का फैसला नीतीश कुमार ने तकरीबन डेढ़ दशक पहले ही कर दिया था। लेकिन चूंकि संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि उपवर्गीकरण की कोई व्यवस्था थी नहीं, लिहाजा वो उसे आरक्षण की गति तक नहीं ले जा पाए। दलितों के भीतर महादलित को आरक्षण की स्थिति तक ले जाने की स्थिति में खुद को नहीं ला पाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोटा विद इन कोटा का रास्ता साफ हो गया है और कोटा विद इन कोटा पर जनता दल यूनाइटेड ने जो दलित महादलित के बीच जिस प्रकार से बिहार में अपनी राजनीति की और जीतन राम मांझी का अब जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उससे सीधे सीधे नीतीश कुमार को एक बार फिर चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को मार्जिनलाइज करने का एक बड़ा सुनहरा मौका मिल गया है। शायद यही वजह है कि जनता दल के नेता इस मुद्दे पर बहुत ही नपे तुले ढंग से फिलहाल बयान दे रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही बिहार की जो दूसरी सियासी खबरें हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस देश की राजनीति में पहली बार किसी बड़े दलित नेता ने, इस देश में बमुश्किल से कुछ दलित नेताओं को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। बिहार में देखा जाए तो तीन दलित नेता मुख्यमंत्री बने, भोला पासवान शास्त्री, राम सुंदर दास और जीतन राम मांझी। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बनी, आंध्र प्रदेश में टी संजीवैया मुख्यमंत्री बने थे दलित समाज से आने वाले, और दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्रियों की तादाद जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में बने थे। बहुत कम दलित नेता इस देश में है, यही 5-7 लोग हैं पूरे देश में जो दलित समाज से आने के बावजूद मुख्यमंत्री जैसी बड़े पद पर पहुंचे, और उनमें से एक राजनेता इस देश में दलित मुख्यमंत्री जितने भी हुए हैं संभवतः उसमें से एकमात्र व्यक्ति जो आज हमारे बीच मौजूद है, उनका नाम है जीतन राम मांझी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा समर्थन किया है। क्या लगता है, नीतीश कुमार को अब अपना स्टैंड महादलित की राजनीति को, महादलित समुदाय के लिए जो उन्होंने अलग कैटेगरी बनाई थी लेकिन संवैधानिक प्रावधानों की वजह से आरक्षण के भीतर कोटा विद इन कोटा जैसे कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी में ओबीसी ईबीसी कर दिया था, वो मौका जब अब नीतीश कुमार के सामने आ गया है कि वो आगे वो काम यहाँ भी कर सके, क्या लगता है आपको, जीतन राम मांझी की तरफ से इंडोर्समेंट मिलने के बाद बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड को एक बहुत बड़ा मसाला मिल गया है? देखिए, कोर्ट के डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा विद इन कोटा का प्रावधान हो सकता है, राज्य इसको डिसाइड करे, और राज्य डिसाइड करे तो इसका पुख्ता प्रमाण भी दे कि यदि विद इन कोटा वह करते हैं तो क्या समाज का वह हिस्सा सही में पिछड़ा हुआ है, क्या समाज का वह हिस्सा आज भी विकास के जो रूपरेखा है, जो मापदंड है, उससे विमुख है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन है और इसका रिफ्लेक्शन देखिए, इसका इफेक्ट देखिए, एनडीए में खुद घमासान मचा हुआ है। आप एनडीए में देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी देखिए, राष्ट्रीय पार्टी चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, बीएसपी हो, सबका अलग अलग मत है, और खासकर दोनों राष्ट्रीय पार्टी
का अभी तक जो इस मामले में स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। और खासकर यदि बिहार की बात करें तो जीताराम मांझी का अलग रुख है, जीताराम मांझी ने इस डिसीजन का स्वागत किया है, वहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने इस डिसीजन की आलोचना की है। मेरे हिसाब से यदि मेरा व्यक्तिगत आप राय मानेंगे राय जानना चाहेंगे और आप भी सहमत होंगे, दर्शक भी सहमत होंगे, दर्शक लोग भी सहमत होंगे कि समाज के उस हिस्सा को जरूर रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए जो आज तक विकास के रूपरेखा और मापदंड से महरूम रहे हैं। आप देखिए रोहिणी कमेटी के रिपोर्ट को यदि आप पढ़ेंगे तो रोहिणी का जी जी नहीं मैं एक मतलब कास्ट वाइज उन्होंने एक जो कहा कि इंडिया में 2600 कास्ट हैं, इंडिया में करीब 2600 कास्ट हैं जिसमें से 938 कास्ट ऐसे हैं जो जिनको आज तक रिजर्वेशन का कुछ भी फायदा नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं रोहिणी कमेटी के डेटा पे मैं इसलिए जब तक सामने ना आया भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि मंडल आयोग के मुताबिक इस देश में तकरीबन 3700 जातियां हैं, रोहिणी कमीशन ने उसे 2600 ही माना है। यदि ठीक है मान लीजिए संख्या में हम संख्या पे नहीं जाते हैं लेकिन ये बात तो आप भी मानते होंगे, हमारे दर्शक भी मानते होंगे कि समाज का एक बड़ा हिस्सा जो रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए उन लोगों को उनको नहीं मिला। आज जो है चिराग पासवान क्यों परेशान है, मायावती क्यों परेशान है, तेजस्वी यादव क्यों परेशान है, देखिए समझने की जरूरत है रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। अभिषेक जी रिजर्वेशन का क्या मापदंड है, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समाज का हुआ भाग जो अभी तक पिछड़ा हुआ है, तो आप बता दीजिए चिराग पासवान किस रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, चिराग पासवान या मायावती या नमो नारायण मीणा या किरोड़ी लाल मीणा, तमाम ऐसे नेता तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिला। ऋषि जी एक हम सवाल उठा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस अब तो अनारक्षित वर्ग के यानी जनरल कैटेगरी के भी कमजोर लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन है, ये तो सर्वविदित है। दिलीप मंडल जी जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने आज एक डेटा शेयर किया है ट्विटर पर कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जब 2019 में लाया गया उसके बाद जो यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ और जितने लोग कम से कम आईएएस बने हैं उनका डेटा दिया है, 74 लोग ब्राह्मण समुदाय से हैं, राजपूत समुदाय से केवल 13 लोग हैं, हो सकता है दो चार भूमिहार भी होंगे, एक दो त्यागी भी होंगे, एक आध कायस्थ भी होंगे, तब तो ईडब्ल्यूएस के भीतर भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के भीतर भी इस तरह का वर्गीकरण होना चाहिए क्योंकि एक ही समुदाय को क्यों लाभ मिलेगा, ब्राह्मण 74 तो अभिषेक जी अभिषेक जी भूमिहार कायस्थ त्यागी तो अभिषेक अभिषेक जी उसमें भी क्रीमिलियर डिसाइड है ना, उसमें भी तो एक मापदंड तो है ना कि 8 लाख से कम आमदनी होनी चाहिए, इतनी इतना जमीन उसके हिस्से में होने चाहिए, जो आरक्षित कोटे में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात हो रही है, जो 10% ईडब्ल्यूएस में जो सेलेक्ट हुए हैं उसके अंदर भी तो फिर मांग होगी कि कोटा विद इन कोटा हो जाए। नहीं क्यों क्यों वहाँ क्यों हो जाए, क्या राजपूत आज भी राजपूत हो भूमिहार हो या कास्ट हो अन्य अग्नि जो जाति है जो आर्थिक रूप से कमजोर है क्या वो उपेक्षित है, सामाजिक रूप से उपेक्षित है, शैक्षणिक रूप से उपेक्षित है, आप बताइए 8 लाख से जो कम इनकम वाले हैं क्या आप ये मानते हैं जिस परिवार का इनकम 8 लाख से कम है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्या 8 लाख से कम वाले। ऋषि जी देखिए दिक्कत कहाँ है, आमतौर पर इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, मोटे तौर पर आप देखेंगे कि भूमिहार राजपूत त्यागी या फिर जो जनरल में आते हैं सेंट्रल लिस्ट में जाट या गुजरात के पाटीदार हो गए या महाराष्ट्र के मराठा हो गए, इन लोगों के पास चूंकि इसमें क्राइटेरिया दिया गया कि एक सर्टेन स्क्वायर फीट में आपका घर होगा तो आप ईडब्ल्यूएस के पात्र नहीं होंगे, आपके पास इतनी जमीन होगी, तो कहने का मतलब यह कि ब्राह्मणों की तुलना में इन जातियों के पास जमीनें हैं जिस वजह से लोग ईडब्ल्यूएस कोटा के पात्र नहीं हो पाते। जैसे ऋषि जी के पास अगर घर इनका 2000 स्क्वायर फीट में है, स्वाभाविक है कि होगा गाँव में और बड़ा होगा शहर में होगा, ब्राह्मणों को इस तरह की चीजें कम है लेकिन तो ब्राह्मण इसके पात्र हो जाते हैं भले उनकी आय दूसरे वर्ग के लोगों से ज्यादा हो। आपके पास किस भूमिहारों के पास राजपूतों के पास कृषि योग्य भूमि आप जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा है, ये सच्चाई है, बहुत सारी चीजें लोगों की बिक गई है लेकिन तब भी सबसे ज्यादा है, लेकिन तो इस आधार पे ये अभिषेक जी एक डिबेट का विषय है, इसमें एक लंबी चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, लेकिन जहां तक एससी एसटी की बात है
तो आप देखिए, ये चिराग पासवान, मायावती और तेजस्वी यादव क्यों परेशान है? ऐसी कोई तो कास्ट नहीं है, एक 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 जातियों का समूह है। एसटी क्या है? जातियों का समूह है। उस एससी समाज में कई जातियां हैं। मीरा लोग परेशान क्या, है क्या, 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 क्या इसका क्या इसका फायदा सिर्फ पासवानों को मिले? क्या वाल्मीकि समाज से आने वाले भाइयों को नहीं मिले, जो आज भी इस जमाने में मैला धोने के लिए मजबूर है? क्या उस समाज का प्रतिनिधि पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, विधानसभा में नहीं होना चाहिए? क्या कैबिनेट सेक्रेटरी के जो आईएएस हैं, क्या इस समाज से नहीं होना चाहिए? नहीं है सर, ये वैकेंसी सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में है, इसके लिए मैं आगे की भी बात कह रहा हूँ। यदि मान लीजिए ये ठीक है, ये सरकारी नौकरियों से आप इसको जोड़ के देख रहे हैं और सरकारी नौकरियों के लिए प्रावधान किया गया है, मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट में भी, राजनीति में भी इन लोग को हिस्सेदारी उस प्रकार का मिलना चाहिए। चिराग पासवान को क्या ऐसा जरूरी है कि वो रिजर्व सीट से लड़ेंगे? आप देखिए, जब चिराग पासवान एयरपोर्ट से निकलते हैं, उनके बाएं दाएं देखिए कौन होते हैं, तो किस प्रकार से वह सामाजिक भेदभाव उनके साथ हो रहा है। क्या चिराग पासवान के आने वाले जो पीढ़ी है, या नमो नारायण मीना के आने वाले पीढ़ी है, किरोड़ीलाल मीना के आने वाले पीढ़ी है, मायावती जी के जो नाते रिश्तेदार हैं या उनके जो भतीजा है, क्या वो सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं? क्या शैक्षणिक जो असमानता है उसके उसके शिकार है? नहीं है। फिर इन लोगों को रिजर्वेशन क्यों क्यों मिले? एससी एसटी में क्रीमी लेयर क्यों नहीं डिसाइड हो? खैर, क्रीमी लेयर तो फिलहाल देखिए, क्रीमी लेयर डिबेट का विषय है, फिलहाल उसको हम यही छोड़ते हैं। मुद्दे पर आते हैं, बिहार के मुद्दे पर। देखिए समाज, सुनिए, मैं 2 सेकंड लूंगा। सामाजिक असमानता क्या होता है? आपको आपने तो देखा है, अभिषेक जी सूरजवान रामविलास जी के पैर छूते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित समाज से आने वाले उस नेता का, भूमिहार समाज से आने वाले सूरजवान पैर छूते थे, रामा सिंह राजपूत समाज से आने वाले, ठाकुर समाज से आने वाले रामा सिंह पैर छूते थे, काली पांडे, तमाम ऐसे श्रेयस्थ हैं। तो सामाजिक ये असमानता कहां से हो गया? देखिए ऋषि जी, अब आपने एक सवाल ऐसा उठाया, मैं आपको बताऊं, बचपन में मुझे मैं बहुत बदमाश बच्चा हुआ करता था, बहुत बदमाश। नहीं, अभी तो सज्जन है, अब सीधा है। बच्चा जो बदमाशी करता है ना, उस बदमाशी का मैं समझिए कि उदाहरण दिया जाता था, इतना बदमाश बच्चा था 2-3-4 साल की। आप यानी आप कहिए, आप बदमाशों के बदमाश सुनिए, बच्चा बचपन में बदमाशों के तेंदुलकर थे आप? बदमाशों का सरदार हुआ करता था सारे मोहल्ले के बच्चों का। तो जब भी मैं अपने घर जाता हूँ, अपने होम टाउन में जाता हूँ, तो मौलवी साहब मेरे पहले गुरु थे, जो कखा गगा ABCD 1 2 3 4 गिनती पहाड़ा अल्फाबेट सब कुछ सिखाया मौलवी साहब ने। मौलवी साहब मिलते हैं, मैं उनको सबसे ज्यादा आदर करता हूँ, मौलवी साहब का, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, पैर छूता हूँ, सभी शिक्षकों को करना चाहिए, करता हूँ। अगर राजनीतिक रूप से अपना शिक्षक या गुरु मानते होंगे सूरजभान सिंह, रामविलास पासवान, प्रणाम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल राजनीति में क्या होता है ना, कि राजनीति में जो गुरु माने जाते हैं वो उस तरह से नहीं माने जाते। राजनीति में सुविधाओं के हिसाब से गुरु माना जाता है, आप जान लीजिए, ये वो अलग मुद्दा है और हम उस पर चर्चा में नहीं जाएंगे। हम आप सवाल पर आ रहे हैं, मूल सवाल, हम भेदभाव की बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, आप देखिए, आपका भी जो आपने जो प्रसंग छेड़ा वो सही है। मैं सामाजिक, देखिए एक होता है ना छुआछूत, कि हमारे यहाँ पासवान समाज के लोग कैसे आ जाएंगे, हमारे हमारे भोज या शादी ब्याह में पहले जो था अब वो नहीं है। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो वो भेदभाव ऐसे ही कम हो जाता है। और मैं एक बात करके खत्म करूंगा कि आज भी अग्रि जातियों में ये 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 एक भ्रम है कि अग्रि जातियों में नहीं, अग्रि जातियों में यदि आप आईएएस हैं और आपके सारू एक चपरासी हैं, तो वहां भी सामाजिक असमानता है नाते रिश्तेदारों के बीच में। आपको जो रिस्पांस मिलेगा, जो आपके यदि सारू चपरासी हैं उनको नहीं मिलेगा वो रिस्पांस। पास आज तो सामाजिक असमानता नहीं हुआ, निश्चित तौर पर। खैर, राजनीतिक मुद्दे पर ऋषि जी आते हैं, फिलहाल प्रासंगिक वही बना हुआ है। तो सीधे सीधे हमारे दर्शकों को बताइए कि जो काम नीतीश कुमार दलितों में महादलित कैटेगरी डिसाइड करके करना चाहते थे, क्योंकि तो उस वक्त कहा गया था कि रामविलास पासवान के पॉलिटिकल क्लाउड को कम करने के लिए महादलित लाया गया, लेकिन जब जाति, आपने आंकड़े की बात इसमें छेड़ी है कि आंकड़े मांगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का वर्गीकरण तो कर सकते हैं लेकिन आंकड़ा देना होगा कि भाई अगर बिहार में, मान लीजिए, मैं किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए पासवान या रविदास समुदाय, क्या पासवानों ने या रविदासों ने ही ज्यादा फायदा उठाया, तो उनको एक अलग दायरे में और बाकी दलितों को एक अलग दायरे में सीमित किया जाए,
दो कैटेगरी बना के ओबीसी बीसी की तरह, जैसे बिहार में दलित महादलित हुई, आरक्षण में भी ये किया जाए। जीतन राम मांझी ने इसका एंडोर्समेंट किया, चिराग पासवान ने इसे सहमति जताई। बिहार सरकार पहले से अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है तकरीबन डेढ़ दशक पहले से कि वो ऐसा करना चाहती है। और इन सब से आगे देखें तो जाति गणना के साथ आर्थिक गणना भी हुई है कि किस घर में कितनी सरकारी नौकरी है, हर कैटेगरी में, हर जाति में हुई है, एक एक जाति की गणना हुई है किसमें कितनी सरकारी नौकरी है, किसके घर में कितना टेप है, कितना रेडियो है, कितना मोबाइल है, कितना जमीन है, कितना साइकिल, कितना मोटरसाइकिल, कितना फोर व्हीलर है, सबकी गिनती हुई है। तो डाटा देना तो जाति वाइज दलितों के बीच से बिहार के मामले में कम से कम ये तो 3 से 4 मिनट का काम है, एक माउस के क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगा कि बिहार में दलितों में क्या स्थिति है। तो बिहार बाकी राज्यों की तुलना में क्या आपको लगता है बिहार सरकार के लिए महादलित आरक्षण का विस्तार अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में करने का रास्ता साफ हो गया है, और ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र तो नहीं साबित होने जा रहा है चुनाव में? नीतीश कुमार तो अंदर से बहुत खुश हैं, नीतीश कुमार अंदर से बहुत खुश है, वो तो पहले ये कर चुके हैं जी, ये जो जो अभी जो डिसीजन मिला है वो तो पहले कर चुके हैं, और अपने प्रयोग से उन्होंने तो एक दिन से कई शिकार कर लिए। एक तरफ लालू यादव को साइडलाइन कर दिए, लालू यादव 90 के जो लालू यादव इतने ताकतवर क्यों होते थे, किसी को भी टिकट दिया वो जीत के आ गया, क्योंकि पूरे 75-80% के नेता हुआ करते थे, अब 80% में धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ, कोई कुर्मी का, हाँ कोई कुर्मी के, कोई कुर्मी कुशवाहा का नेता हो गया, कोई पासवान का नेता हो गया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुट्ठी बंधी हुई थी मतलब खुलना शुरू हुआ, अलग होना शुरू हुआ। तो इसी बात का डर चिराग पासवान को भी है, इसी बात का डर तेजस्वी यादव को भी है कि MY में भी M कमजोर हो रहा है, Y भी कभी कभी झटका दे देता है, और उसमें भी ये फॉर्मूला आ गया है, तो फिर ये राजनीति फिर ये कहाँ जाएगी? नीतीश कुमार तो खुश है, नीतीश कुमार ये इसी फॉर्मूले के बल पे आज तक बिहार के राजनीति में प्रासंगिक है। चलिए भाई तुम 14% है तो गैर यादव ओबीसी ईबीसी बना दिए, दलित में महादलित कर दिए, पासवान को मैनेज करके बाकी को महादलित के कैटेगरी में डाल दिए। रामविलास पासवान है, आपको याद होगा रामविलास पासवान जैसे लोकप्रिय नेता इस सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग से एक तरह से कुछ समय के लिए मार्जिनलाइज हो गया, चुनाव हार गए भाई। तो चिराग पासवान को इस चीज का एहसास है कि भाई आज तो हम पूरे दलित समाज के नेता हैं, और इस प्रकार का कोटा विदिन कोटा होगा तो ये जो मुट्ठी बंधी हुई है उसको स्प्लिट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मायावती जी परेशान है, कई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परेशान है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई जो दलित समाज के प्रोफेसर हैं, ओबीसी समाज के प्रोफेसर हैं, वो परेशान क्यों हैं? आप देखिए पूरा सोशल मीडिया का ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, उनको डर है कि भाई जिसका मजा हम ले रहे थे उस मजा को लेने के लिए कोई और भी आने वाले दिनों में खड़ा हो सकता है। जो बात तो लेकिन लेकिन मेरा ये मानना है, ये ऑब्जर्वेशन आज का भी नहीं है। आप देखिए आज निर्णय हुआ 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी इस ऑब्जर्वेशन को दिया था कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, और राज्यों का यह अधिकार है कि वह परिस्थितियों को देकर वो कोटा विदिन कोटा। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोग हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जिसकी भी बात जो नेता बोलेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, हमारी अपने दायरे हैं। राजनीतिक रूप से दलित नेता बाद में बोलना शुरू किए, मायावती ने इस फैसले के 2 या 3 दिन बाद जुबान खोली, चंद्रशेखर रावण की तरफ से भी अब तक उस तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है जिसको लेकर लोग प्रतिक्रिया उनसे सुनना चाहते हैं ताकि उस पर डिबेट कर सके। चिराग पासवान पटना में आए, अपनी प्रतिक्रिया दे दी, असहमति जताई। दलित वर्ग का चूंकि सीधा उनका मामला है, उनको चुप होना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, सही बात है, जो जिसके सामाजिक हित जुड़े हुए हैं उनको बोलना चाहिए। आश्चर्य ये है जनरल कैटेगरी के लोगों का सामाजिक हित वहां नहीं जुड़ा हुआ है, राजनीति में मौजूद लोगों का, सार्वजनिक जीवन में राजनीति में जुड़े वो लोग इस फैसले पर सहमति असहमति की बात बहुत बच बचा कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन
जो ओबीसी ईबीसी, वो ओबीसी व ईबीसी नहीं, ओबीसी वर्ग के जो नेता है, डोमिनेंट ओबीसी वर्ग के, उनके अंदर इस मुद्दे के, या वर्ग के जो बुद्धिजीवी है, दिलीप मंडल पत्रकार है, वो इसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ मोर्चा ही खोलकर बैठ गए। क्या क्या नहीं कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि दलितों को विभाजित करने की चाल, ये वो दस तरह की बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव हैं, वो भी, वो हमारे मित्र हैं, लक्ष्मण जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, वो भी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल की पार्टी के लोग बोल रहे हैं, और तमाम ऐसी जो ओबीसी लॉबी जिसको आप कहते हैं, वो लोग इस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं। इसके पीछे उनकी क्या राजनीति आपको दिखाई दे रही है? उनके तो कमजोर यहाँ पर जुड़े हुए नहीं है। अरे कमजोर हो, पॉलिटिकली कमजोर हो जाएंगे ना जब समाज में एक जागरूक, आज देखिए, आज एक बात तो मानना होगा, लालू यादव और मंडल कमीशन के बाद जो पिछली जातियों में जो जागरूकता आई ना, तो ये नहीं चाहते हैं कि ठीक है ये मलाई जो खा रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि मलाई के हिस्से जो हिस्सेदारी किसी अन्य 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 दलित समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को मिले, तो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, पूरा मलाई अकेले खाना चाहते हैं। और मैं इस बात से बहुत गुस्सा में हूँ कि ये लोग कहते हैं कि दलित के नेता, कोई दलित का नेता नहीं है। सीताराम मांझी कितने गरीब दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को बढ़ाया, कितने दलितों को टिकट दिया है, अपने केंद्र में मंत्री है और राज्य में बेटा मंत्री है। चिराग पासवान ने कितने गरीब पासवान समाज से आने वाले व्यक्ति को नौकरी दिया है, नौकरी मतलब टिकट दिया है। मैं नौकरी से हट की बात कर रहा हूँ, ये रिजर्वेशन कोटा विद इन कोटा, जो एक रिजर्व सीट लड़े वहां से भी अपने बानोई को दिया। मैं उसी पा रहा हूँ, ये जो डिसीजन है नौकरियों को लेकर है कोटा विद इन कोटा। लेकिन ये जो तमाम नेता ये कहते हैं कि हम दलितों के रहनुमा हैं, ओबीसी के रहनुमा हैं, यादवों के रहनुमा हैं, आप बता दीजिए ना, लालू यादव को एक हद तक कह सकते हैं कि उन्होंने पत्थर तोड़ने वाले एक महिला भगवती देवी को राज्यसभा भेज दिया, भगवतिया देवी। ये आप ये कह सकते हैं कि लालू यादव ने एक जो धोबी समाज से आने वाली महिला को हाल में ही विधान परिषद में भेजा है। लेकिन आप ये चिराग पास बिहार में सबसे निचले स्तर पर मौजूद, सबसे नीचे आर्थिक स्थिति है तो बिहार में, आपको जाति जनगणना का डेटा भी कहता है, मुसहर समाज, उससे आने वाले व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं इस चीज का नीतीश कुमार और लालू यादव का मैं प्रशंसा करता हूं इस मायने में। लेकिन आप जो ये चिराग पासवान है या रामविलास पासवान जी है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, या जीताराम मांझी, बताइए ना आप, जीताराम मांझी ने अपने बेटे और अपने के अलावा किसको इन्होंने आगे बढ़ाया, बताइए। खुद मुख्यमंत्री बन गए, खुद केंद्रीय मंत्री बन गए, संतोष मांझी मंत्री बन गए, संतोष मांझी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और जो सीट खाली हुई है उसमें ऐसा चर्चा है कि या तो उनकी बहू लड़ेंगी या उनका कोई छोटा बेटा लड़ेगा। अब एक चीज ऋषि जी, चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, अब इस पर चर्चा थोड़ी करनी सार्वजनिक रूप से जरूरी हो जाती है। देखिए, पिछड़े वर्गों के बीच, दलितों की बात मैं नहीं कर रहा, दलितों को आरक्षण तो संविधान बनने के समय से, पिछड़े वर्गों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने का काम वीपी सिंह ने किया, ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। मंडल कमीशन और शैक्षणिक संस्थानों में बाद में अर्जुन सिंह ने किया। इसके बाद की परिस्थितियों को देखें, उसके पहले बिहार में जो पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे, उन्होंने बिना कोई जातीय विद्वेष फैलाए पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर काम किया। रामलखन सिंह यादव ने तमाम जो कॉलेज खोले, क्या उसमें यादव के लड़के ही पढ़ते थे क्या? सभी जातियों के लड़के पढ़ते थे, जो हाई स्कूल सत्येंद्र, अच्छा उसके बाद आप देखिए, सत्येंद्र नारायण सिंह ने इतने कॉलेज खोले, क्या उसमें सिर्फ राजपूत के लड़के पढ़ते थे क्या? रामलखन सिंह यादव के कॉलेज में यादव के लड़के ही तो नहीं पढ़ते थे, खोले हुए। लालू यादव के समय में मंडल कमीशन जब आया, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाया, उसके बाद लालू यादव को ये क्रेडिट जाता है कि उसको जमीन तक पिछड़ों के अधिकार के रूप में, यहां तक कि दलित वर्ग को भी उससे जोड़ते हुए सामाजिक तौर पर एक वोकल वॉयस के तौर पर लालू यादव सामने आए, उनको आवाज देने का काम किया, इस बात को कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन वो सामाजिक न्याय जो वीपी सिंह ने दिया, उसका लार्जर क्रेडिट तो वीपी सिंह को ही जाता है, भले ये लोग खुद क्रेडिट लेते हैं अलग बात है। लेकिन जब सामाजिक न्याय के दायरे को आर्थिक न्याय तक पहुंचाने की बात आती है, तो कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि चाहे जितना भी हुआ हो, ये काम नीतीश कुमार ने किया 2005 में सत्ता में आने के बाद, अति पिछड़ों को पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण,
उनके सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का काम ठीक इसी जो कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में दिया था, ध्यान रखिएगा अति पिछड़ों को, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको पंचायतों और नगर निकाय तक गांव गांव में बना दिया। वार्ड पार्षद किसी की पत्नी है, कोई महिला है वार्ड पार्षद अति पिछड़े वर्ग से, कोई दलित वर्ग से। अब तो दलित के बीच महादलित भी वार्ड पार्षद होगी, वो भी मुखिया होगी अगर नीतीश कुमार ने कर दिया तो। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि जब सामाजिक न्याय का दायरा आर्थिक न्याय तक जा रहा है, उसके बाद क्या लगता है कि नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव के पहले दलितों के बीच सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में महादलित का कोटा डिसाइड करके एक नया तुरुप का पत्ता फेंकने जा रहे हैं? देखिए, ये तो कोर्ट का डिसीजन आने के बाद तो इसकी शुरुआत तो मुझे लगता है कि हो सकती है, और लेकिन के पास है, दूसरे राज्यों के पास नहीं है डेटा। हाँ, डेटा है और डेटा है, और मुझे लगता है कि बिहार सरकार इस चीज को मतलब इस चीज को कोर्ट में रखने में भी सक्षम होगी, कि उनके पास प्रॉपर डाटा है और वो कोर्ट को ये समझाने में जरूर सफल होंगे कि जो जिस समाज को वो रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिस समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, वो रियली में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आज भी पिछड़ी हुई है, विकास के जो मापदंड है उससे आज भी महरूम है। तो एक नया प्रयोग बिहार में हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैं इस चीज का श्रेय जो है सिर्फ लालू यादव नीतीश कुमार को नहीं, सिर्फ बीपी सिंह को नहीं, अब 1975 से देखिए, ज्ञानी जैल सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी ऐसे ऐसे अपने राज्य में पंजाब में उन्होंने प्रावधान किए। फिर चंद्रबाबू नायडू अपने समय में उन्होंने आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग किया। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने अपने कार्यकाल में जो पिछड़े अति पिछड़े जो समाज के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। अब इसका देखिए आने वाले दिनों में पॉलिटिकल जो इफेक्ट है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा सवाल है कि रिजर्वेशन का जो सीमा बढ़ाई गई है उसको लेकर नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं, नीतीश कुमार क्या केंद्र पर दबाव बनाने में सफल होते हैं। ऋषि जी, ये नहीं लगता कि अगर ये मुद्दा दलितों के बीच बिहार में वर्गीकरण तक जाता है, कोटा विद इन कोटा तक, नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपके पास डेटा है तो आप कीजिए, डेटा नहीं है तो नहीं कर सकते, डेटा है ऑथेंटिक आप कीजिए। बिहार सरकार के पास डेटा है, वो स्वतंत्र है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं आपको, है आपको, क्योंकि संविधान पीठ का फैसला है, संविधान पीठ का फैसला है, कोई ना तो हाईकोर्ट उसमें हस्तक्षेप। अगर 15% मान लीजिए आरक्षण है, उसमें अगर नीतीश कुमार ने 10% या 11% महादलितों को दे दिया, अब बाकी दलितों में जनरल दलित के लिए छोड़ दिया 4% 5%, तो उसमें कोई कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तो संविधान पीठ का फैसला है, ऑर्डिनरी कोर्ट बोल ही नहीं पाएगी। और सरकार के पास डाटा है और जस्टिफाई के लिए अपने लिए गए निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए रीजन भी है। तो वही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि क्या लगता है कि अब आरक्षण बढ़ाने का जो मुद्दा था वो मुद्दा डाइल्यूट होकर नीतीश कुमार के लिए अब ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक सुविधाजनक रास्ता तो नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन के लिए तो नहीं दे दिया है कि अब उसको छोड़ करके ये वर्गीकरण के मामले में आगे बढ़ सकते हैं कि वो मुद्दा डाइल्यूट हो गया। देखिए, नीतीश कुमार अकेले फैसला लेंगे क्या संभव है? एनडीए में जिस प्रकार से गतिरोध है, बीजेपी भाजपा तो चाहती ही है कि दलित वर्गो के बीच वर्गीकरण हो जाए, वो कहां विरोध में है? बीजेपी का स्टैंड अभी क्लियर कहाँ हुआ? बीजेपी का कोई ऑफिशियल स्टैंड आया है? यदि जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि कोटा विद इन कोटा, आज भी उनके प्रवक्ताओं से पूछिए, उनका आवाज लड़खड़ाने लगते हैं, गोल गोल घुमाने लगते हैं। आवाज क्यों लड़खड़ाते हैं मैं बता रहा हूँ, आवाज इसलिए लड़खड़ाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो हो जाए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसका समर्थन करके वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि बिहार में आप देखिए दलितों में पासवान जो है पॉलिटिकली वोकल है, ओबीसी में यादव पॉलिटिकली वोकल है, यादव कुर्मी कुशवाहा वोकल है, क्या वाल्मीकि समाज उतना वोकल है? क्या आप जिस समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या पॉलिटिकली उतने चार्ज अप हैं? तो क्या ये कोई भी राष्ट्रीय पार्टी रिस्क लेना चाहेगी? चिराग पासवान आज चिराग पासवान अपने सहयोगी दलों के विरुद्ध जाके ऐसे उन्होंने स्टैंड लिया है, क्यों लिया है?
तो ये समझने की जरूरत है, इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार यदि गठबंधन में है, नीतीश कुमार अपने बलबूते सरकार में नहीं है, और जो संख्या बल है अभी नीतीश कुमार का, वो ये इतना उनको एक करेज नहीं देगा कि हाँ वो ये कर सकते हैं कि भाई हम जो जो है आप 11% और 4% का जो फॉर्मूला बताया है वो कर दे, सरकार गिर जाए गिर जाए। लेकिन जिसके लिए कीजिएगा वो पॉलिटिकली कितना चार्ज है, आपके आपके पीछे कितना गोलबंद होंगे। देखिए पहली चीज यहाँ जो यहाँ तक हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है जो प्रोविजंस है, ये आरक्षण पहले से 15% दिया हुआ है। आपको मालूम है बिहार में दलितों को 15% आरक्षण, और उसके अंदर कोटा निर्धारित करने के लिए सरकार के पास विधानसभा के द्वारा स्वीकार किया गया डेटा, जाति जनगणना की रिपोर्ट को विधानसभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, आपको याद होगा, स्वीकार किया गया डेटा मौजूद है। तो अगर नीतीश कुमार इसका सब क्लासिफिकेशन करते हैं, हो सकता है उन्हें इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर ले जाने की जरूरत ना पड़े, ये कैबिनेट के अधिसूचना से ही लागू हो जाए। सरकार मैं आपके बात से सहमत, सरकार गिरने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, गठबंधन से कई अलायंस पार्टनर अलग हो जाएंगे जी। क्या नीतीश कुमार अकेले इतने बड़े डिसीजन लेने के बाद यदि अलायंस पार्टनर अलग हो जाते हैं, बीजेपी का भी स्टैंड क्लियर नहीं है, चिराग पासवान इस चीज को लेकर वोकल है, तो क्या आप अकेले, पहली चीज सीधी बात में आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ जो आपसे मेरा सवाल नहीं समझ मैं, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है क्या? बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है, कांग्रेस का भी स्टैंड क्लियर नहीं है इसको लेकर अभी। ऋषि जी मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, सीधी बात दर्शकों को ज्यादा पसंद आती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर नीतीश कुमार कहेंगे कि महादलित वाले आरक्षण का विस्तार कर दिया जाए, कोटा विद इन कोटा कर दिया जाए, भाजपा उनके समर्थन में खड़ी रहेगी, पहली बात वो विरोध करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार अगर ये काम करते हैं तो बहुत बड़ा राजनीतिक खेल होगा, इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा जो जनता दल यूनाइटेड की लाइफ को, नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर को 10 साल। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चिराग पासवान जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस फैसले के बाद जिनके एक भी विधायक बिहार विधानसभा में नहीं है, चिराग पासवान क्या केंद्र सरकार से अलग हो जाएंगे? मैं देखिए देखिए ये पहला प्रोग्राम होगा जो सवाल के बदले सवाल आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है जी। मैं सवाल के बदले सवाल आपसे पूछता हूँ जी कि क्या ऐसे स्थिति के लिए बीजेपी तैयार होगी जहाँ एक तरफ उनको नीतीश को भी चेक एंड बैलेंस करना है, और चेक एंड बैलेंस करने में चिराग पासवान जैसे सहयोगियों की जरूरत है, तो क्या नीतीश कुमार पर आंख मूंद के जो डिसीजन लेंगे उस पर भरोसा कर सकते हैं, कर सकती है बीजेपी? मैं आपके बात से सहमत हूं, उत्तर प्रदेश में 2014 में जो अमित शाह ने यही नहीं किया, गैर जाटव दलितों को गोलबंद किया, मैं आपके बात से सहमत हूं, ऐसे ऐसी राजनीति बीजेपी को सूट करती है। एक तरफ जाटव यदि उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ गोलबंद है, तो गैर जाटव वो अमित शाह ने अपने तरफ गोलबंद करने किया, और इसका 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 नतीजा आपने 14 में भी देखा, 19 में भी देखा, 2017 विधानसभा में भी देखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार के संदर्भ में कहें कि यदि नीतीश कुमार कोई बड़ा स्टेप लेते हैं तो बीजेपी आंख मूंद कर उनके साथ जा सकती है, क्या बीजेपी चाहेगी कि इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को मिले, क्रेडिट भी मिले और एक चिराग पासवान को भी हम लूज कर जाए? तो इतना आसान नहीं है, नहीं करेंगे। देखिए इफ देखिए ये आप हम सी लैंग्वेज में जो होता है इफ एंड इल्स वाला कंडीशन वो पूछ रहे हैं, तो यदि इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं नीतीश कुमार तो चिराग पासवान के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। देखिए ऋषि जी एक लाइन में मैं आपको बिहार की परिस्थिति बता दूं, नीतीश कुमार जानते हैं कि पासवानों का वोट उन्हें मिलना नहीं है, ये बात क्लियर है, जिनका वोट उन्हें मिलना है जो इधर उधर छिटक सकता है वो राहुल गांधी की जो अपील है दलितों की या तमाम तरह की जो बातें हो रही है संविधान बचाओ उसमें जो छिटक सकता है उसको गोलबंद करने का प्रयास करेंगे, लो हमने आपको दिया जो आप चाहते थे, हमारी इच्छा थी, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, हमने दिया, पहली बात, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है उसे दूसरे वोट बैंक का समर्थन जरूरी होता है सीटों में बदलने के लिए। नंबर तीन बात, नीतीश कुमार की राजनीति दरअसल इसी पर आधारित रही है
कि वो कोटा विद इन कोटा की राजनीति को इस सावधानी के साथ खेलते रहे हैं जिसमें एक तरफ लालू यादव की राजनीति को मार्जिनलाइज करते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी मार्जिनलाइज करते हैं। हो सकता है कि बिहार में ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी दो कोटा वो बना दे, कोई नहीं जानता है कि क्या करेंगे। नीतीश कुमार है भाई तो कहेंगे मैं आपके, देखिए अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, आपके हर बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन दो 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 बड़े बिल्ली जो बैठे हैं, तो हमने बिल्ली नहीं कहना चाहिए, राजद भी इस फॉर्मूला में विश्वास नहीं करते हैं। यदि नीतीश कुमार ये करेंगे तो क्या इधर जाएंगे, राजद तैयार नहीं है, बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है, हालांकि बीजेपी को ऐसा राजनीति सूट करता है। हालांकि मैंने एक अपडेट बता दूं, कांग्रेस ने तेलंगाना और शायद कर्नाटका में कोटा विधि कोटा का प्रयोग करने जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। तो अभी आने वाले दिनों में ये देखना होगा जो ये डिसीजन आया है उस पर पार्टी को क्या स्टैंड रहता है। ये बात मैं आपके बात से सहमत हूँ, बीजेपी को है, बीजेपी को इस प्रकार की राजनीति सूट करती है, गैर यादव ओबीसी बीजेपी, ये भी बीजेपी भी तो यही टारगेट करती है। आज मेरी बात हो रही थी सुबह में, जब इस फैसले पर मैंने जीतन राम मांझी का बयान देखा, उसके बाद मैंने बिहार के एक सोशल साइंटिस्ट से, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से बात की, उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि अभिषेक जी, अगर नीतीश कुमार ने बिहार में महादलितों को कोटा विद इन कोटा करके आरक्षण दे दिया तो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या 100 के पार जा सकती है बिहार में, क्योंकि सबसे डेडिकेटेड वोटर बिहार में, जिनके घर का वोटर घर में नहीं बैठता कि छोड़ो कौन जाए वोट डालने, वो सबसे डेडिकेटेड वोटर दलित वोटर होता है, और उसका वो तबका जो इधर उधर छिटक रहा है वो जेडीयू के विधायकों की संख्या को 2010 की तरह 100 के पार लेकर जा सकता है, उनका मानना था। आप क्या आपके से सहमत है? आपके बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बिहार देखिए आने वाले, मैं अब शॉर्ट में कहूँ, प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कहूँ, आने वाले दिनों में बिहार बड़ा मैसेज देने जा रहा है। कल प्रशांत किशोर का आपने प्रोग्राम देखा होगा, एक तरफ प्रशांत किशोर की तैयारी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवराज जो हैं, युवराज साहब पदयात्रा पे जा रहे हैं, तीसरी तरफ नीतीश कुमार का दलित महादलित, इसी बीच कोर्ट का डिसीजन, चिराग पासवान का अलग स्टैंड, जीतन राम मांझी का अलग स्टैंड। तो बिहार आने वाले दिनों में इतिहास लिखने जा रही है, क्या होगा नहीं होगा उस पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार जो है राष्ट्रीय राजनीति के फलक पे आने वाले दिनों में भविष्य में क्या होगा उसका स्क्रिप्ट लिखने जा रही है। एक वन लाइनर जवाब आपसे चाहेंगे कार्यक्रम को क्लोज करने के पहले, क्या नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मिले इस सुनहरे मौके को, ये दलित महादलित वाले मौके को चूकना पसंद करेंगे या मौके पर चौका मार के खेल करना पसंद करेंगे? मौके पर चौका मारना चाहेंगे, पॉलिटिकली और मजबूत होंगे, ऐसा अवसर कौन गवाना चाहेगा? आप नीतीश कुमार रहते तो गवाते क्या? ये तो अवसर है, अवसर को कौन छोड़ना चाहेगा? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को कुछ लोग मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। बिल्कुल, 19 सालों से वो बिहार की सत्ता में टिके हुए हैं, 16 साल उसके पहले संसद में रहे, 5 साल विधानसभा में रहे, यानी 1985 से 2024 तक पिछले 39 सालों से, एक कम 40, लगभग 40 सालों से बिहार की राजनीति में अनवरत नीतीश कुमार बने हुए हैं, तो लोग उन्हें मुकद्दर का सिकंदर अक्सर कहते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों का मुख्यमंत्री भी कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के राजनीतिक मुकद्दर के लिए वाकई एक सिकंदर बनाने वाला फैसला है, ऐसा ऋषि मिश्रा जी का मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीति को कहां तो लोग खत्म मान रहे थे, लेकिन वहां पर इस तरह का फैसला ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आपदा में अवसर की तरह नीतीश कुमार के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उसके बाद की राजनीति एक बार फिर से नए सिरे से घूमने लगेगी, ये कल्पना बिहार में किस, बिहार में क्या देश में किसी ने नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी और राज्य को लेकर आया और राजनीति सबसे ज्यादा और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिहार के लिए आकर खड़ी हो गई, क्योंकि जिस राज्य के लिए आंकड़ा आया उस राज्य के पास संभवतः कोई जातीय आर्थिक सर्वे का डेटा नहीं है, बिहार के पास विधानसभा से मंजूरी प्राप्त एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति का डेटा है, जिसके बाद
बिहार सरकार को ये काम करने के लिए 10 मिनट के सिर्फ A4 पेपर पर टाइप कराकर कैबिनेट के फैसले पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मुहर लगाने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है कि क्या जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है पर्दे के पीछे से जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार ने उन्हें ये बयान देने के लिए कि देखिए भाई आपके समुदाय के हित का सवाल है, आप नहीं बोलिएगा तो कैसे होगा, इस तरह से राजी तो नहीं किया गया है। अब ये राजीनामा हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जीतन राम मांझी का बयान एक बहुत बड़ा बूस्ट है नीतीश कुमार के लिए। ऋषि मिश्रा जी, आपने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बैठे, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।